ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर पॉल कीटिंग ने एक बार एक अमेरिकन जनरल को बताया था कि कैसे जंग के समय में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर काम नहीं करेंगे। कीटिंग्स के वर्ड्स ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़्यादा कॉस्ट और वल्नरेबिलिटी को रिफ्लेक्ट किया था, लेकिन कुछ एनालिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर सब ज़्यादा सर्वाइवेबल, केपेबल और लीथल बन गए हैं। लेकिन अगर कीटिंग सही है तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का ज़्यादा सस्ता और कम रिस्की बदल कौन सा होगा? एक अल्टरनेटिव है आइलैंड बेसिस को यूज़ करना। हालांकि वो मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो एयरक्राफ्ट कैरियर से सस्ते होंगे और वो डूबेंगे भी नहीं। पिछले एक दशक में आइलैंड बेसिस पर फोकस बढ़ गया है। चाइना साउथ चाइना सी में आइलैंड बेसिस को बना रहा है और वहीं इंडिया इंडियन ओशन में आइलैंड बेसिस को बना रहा है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी आइलैंड बेसिस को अपग्रेड करने में इंटरेस्ट दिखाया है। ये क्वेश्चन नया नहीं है। 1960s में ब्रिटिश डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने ये आर्ग्यू किया था कि इंडियन ओशन में आइलैंड बेसिस बहुत ही ज़्यादा कारगर है। रॉयल एयरफोर्स ने आर्ग्यू किया था कि कैरियर अपनी कॉस्ट के हिसाब से ज़्यादा कैपेबिलिटीज डिलीवर नहीं करते। उन्होंने दावा किया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स में बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं और वो एक लैंड बेस्ड एयर थ्रेट के मुकाबले में ऑपरेट नहीं कर सकते। उनका ये भी दावा था कि लोकल बेस फैसिलिटीज के ना होने के कारण उनका ऑपरेशनल एंड्योरेंस भी कम हो जाता है, तो इसलिए पैसों का सही इस्तेमाल आइलैंड एयर बेसिस पर होना चाहिए। दिल्ली को भी अब इन हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को कंसीडर करना चाहिए। जैसे जैसे दिल्ली चाइना के राइस को काउंटर करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रही है, तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि चाइना के नेवल पावर को इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल और मिलिट्री ऑप्टिमल वे कौन सी होगी। इंडियन नेवी ने 1961 से लेकर कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट किया है और वो इंडियन नेवी की स्ट्रेटजिक थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन नेवी अभी 45,000 टन INS विक्रमादित्य को ऑपरेट करती है और वो अपना नया 40,000 टन INS विक्रांत बना रही है, जो कि इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन INS विशाल प्लान्ड है, जो कि 2025 के आसपास लॉन्च होगा। ये वेसल ना केवल बहुत बड़ी होगी, लेकिन इसके साथ में इसमें सभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी। इसमें कटिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम भी लगा होगा। हालांकि ये प्लानिंग के अर्ली स्टेज में है, लेकिन फिर भी ये क्लियर है कि INS विशाल बहुत ही महंगा होगा। कुछ के लिए INS विशाल एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है मेजर पावर स्टेट्स का। उनका मानना है कि अगर इंडिया चाइना के साथ रेस में बने रहना चाहता है तो उसे INS विशाल को बनाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ चाइना का बजट इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है। चाइना 4 कैरियर ग्रुप्स की फ्लीट बनाना चाहता है जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशंस को रोम करेगी, और कन्वेंशनल थिंकिंग के मुताबिक इंडिया को भी चाइना का पाथ ही फॉलो करना चाहिए जहाँ तक कि वो कर सकता है। अगर इंडिया अपने स्टड सिंबल के डिज़ायर को ओवरकम करता है तो उसके पास कुछ अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स हैं इंडियन ओशन में उसकी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए। इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर इन्वेस्ट की गई मनी एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत से दशकों से इंडियन स्ट्रेटजिस्ट ने इन आइलैंड्स की वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से चली आ रही बातचीत का इतना असर नहीं हुआ है। इंडिया की अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में कैपेबिलिटीज बेसिक ही रही हैं। ये आइलैंड्स अब मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए यूजफुल स्टेजिंग पॉइंट है, लेकिन ये सस्टेन्ड एयर या नेवल ऑपरेशंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। इंडियन नेवी और एयरफोर्स अपने सीरियस एसेट्स को इंडियन मेनलैंड पर ही रखती है। INS विशाल से बचाई गई मनी को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने में लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया कमोटा आइलैंड और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पर अपनी कैपेबिलिटीज को भी एनहेंस कर पाएगा। अंडमान निकोबार की अपग्रेड कैपेबिलिटीज इंडिया को बे ऑफ बंगाल में एक सिक्योर डिफेंसिव स्पेस मेंटेन करने के या उसके डिज़ायर को रियलाइज करने में मदद करेंगी। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी में फोर्स प्रोजेक्शन के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल पॉइंट होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद।